हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटोडिंग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा आगे गणेश चतुर्थी आने वाला है, इसलिए गाइस मैं आपके लिए पहले से ही एक ट्यूटोरियल लेकर आ चुकी हूँ और ये कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गाइस बिना देखे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप पर ओपन कर देना है। ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, अभी आपको ऐड फोटो क्लिक करना है। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, सिंपल आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी पिक को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको पहले से ही बता देता हूँ, आपको ये वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक वॉच करना है, नहीं तो ये एडिंग को नहीं समझ पाओगे। इसलिए गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और गाइस, अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको मॉडल को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं मॉडल को ऐड कर देता हूँ। और गाइस, आपको पोज कैसे देना है, आपको इसी पोज से फोटो को क्लिक कर देना है। तो हाथ को इस तरह से रख करके फोटो क्लिक कर देना है और यहाँ पर बैकग्राउंड को भी रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर चुकी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। और गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना नहीं आता तो ये टोटल को कंप्लीट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो अभी आपको ये स्टेप से आपको मॉडल को खड़ा कर देना है। आपको इस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर आपको इस तरह से बीच में आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बीच में एडजस्ट कर देता हूँ। और गाइस, अभी आपको यहाँ पर डन कर लेना है। तो लेफ्ट पर आपको डन बटन पर क्लिक करके बैक चलना है। अभी गाइस, आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको गणेश मूर्ति को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मूर्ति पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, ये मूर्ति पीएनजी को ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस तरह से स्वाइप करके आपको ये एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो गाइस, एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। हल्का सा मतलब आपको 7 के आसपास। और गाइस, आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और इस तरह से बड़ा करके आपको हाथ के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको इस तरह से हल्का सा यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ और इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी आपको एडजस्ट करने के बाद अभी आपको हल्का सा इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, ओपेसिटी को, ये गणेश मूर्ति की ओपेसिटी को हल्का सा डाउन कर देना है। ओपेसिटी को डाउन आपको कितना रखना है, आपको 7:7 रखना है। और गाइस, आपको इरेज पर क्लिक करना है। सो गाइस, ये रहा इरेज का ऑप्शन, सिंपल आपको इरेज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको हार्डनेस का रखना है आपको 90 के आसपास। और यहाँ पर मैं साइज को कम कर दूंगा 7 के आसपास। और गाइस, इस तरह से जूम करके एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से इरेज कर लेना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर मैं इरेज करके हटा देता हूँ। और गाइस, आपको डन करके आपको क्या करना है, ओपेसिटी को फिर से आपको 100 करना है। अभी गाइस, आपको डन नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। सो गाइस, अभी आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर चल जाना है। ऐड फोटो जाकर के सिंपल आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करना है। और इस टाइप से ब्लैक बैकग्राउंड को आपको गणेश मूर्ति के ऊपर रखना है और हल्का सा बड़ा करना है। और गाइस, आपको इरेज के ऊपर लेयर पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको मोब डाउन करना है। तो पीछे जा चुकी है, अभी आपको इरेज पर क्लियर करके आपको इन्वर्ट कर लेना है। और रिस्टोर पर क्लियर करके हार्डनेस को 0 रखना है और साइज को आपको रखना है आपको 30 के आसपास। और गाइस, आपको इससे जूम करना है और यहाँ पर आपको रियलिस्टिक देने के लिए आपको यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है इस टाइप से। तो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा इस टाइप से शैडो देने के बाद। तो गाइस, आपको ये शैडो जरूर देना है, नहीं तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो सिंपल आपको शैडो क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैं शैडो क्रिएट कर देता हूँ। तो शैडो क्रिएट हो चुकी है, अभी आपको यहाँ पर डन कर लेना है। आप चाहते हो ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर ओपेसिटी डाउन करके यहाँ पर मैं 90 के आसपास रखूँगा और यहाँ पर डन कर लेना है। तो गाइस, गणेश मूर्ति अच्छी तरह से फिट हो चुकी है। अभी आपको ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जा करके यहाँ पर आपको ये ब्लर पार्टिकल ग्रास पेंज को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपको ग्रास पेंज को ऐड करके सिंपल आपको फूल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर आपको डाउन कर लेना है। तो डाउन आपको पैर के नीचे ही रखना है, इस से इतना रखना है। और गाइस, यहाँ पर डन कर लेना है। और गाइस, आपको फिर से आपको ऐड फोटो जा करके, सॉरी यहाँ पर मैं ऐड फोटो चलता हूँ, ऐड फोटो जा करके एक शैडो का पेंज को ऐड करता हूँ। तो गाइस, ये शैडो का पेंज को आपको क्या करना है, सिंपल आपको इससे फूल स्क्रीन करना है। तो यहाँ पर मैं फूल स्क्रीन कर देता हूँ। फूल स्क्रीन करके आपको ओपेसिटी को हल्का सा डाउन कर देना है। तो डाउन आपको 88 के आसपास रखना है और यहाँ पर डन कर देना है। तो गाइस, डन करके अभी आपको क्या करना है, ऐड फोटो जा करके सिंपल आपको एक टेस्ट पेंज को ऐड करना है। तो गाइस, ये जो भी यहाँ पर मैं एडिंग में जो भी पेंज वगैरह यूज करता हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल आपको ये गणेश जो टेस्ट पेंज को आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। सो गाइस, आपको इस तरह से बड़ा करके यहाँ पर मैं हल्का सा डाउन रखूँगा। तो डाउन यहाँ पर मैं रखूँगा, इतना ही रखूँगा। और अभी आपको डन नहीं करना है, सिंपल आपको फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके ऐड फोटो चलना है। ऐड फोटो जा करके आपको फिर से आपको ये टेस्ट पेंज को ऐड कर लेना है। तो गाइस, ये टेस्ट पेंज को ऐड करके इसका ब्लेंड मोड को स्किन कर लेना है। ये ब्लैक एरिया हटाने के लिए आपको ब्लेंड मोड पर क्लिक करना है और गाइस आपको स्किन कर लेना है। तो स्किन करके आपको इस तरह से चैप्टा बना लेना है, इतना चैप्टा रहना है। और गाइस, आपको इस तरह से छोटा करके आपको इस तरह से जो टेस्ट पेंज के नीचे आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो ये टेस्ट पेंज को हल्का सा डाउन कर देता हूँ।
तो अभी ठीक ठाक लग रहा है, अभी कैसा हुआ है डन कलर है। तो गैस बहुत ही अच्छी तरह से सभी पीएनजी फीड हो चुकी है, लेकिन गैस एडिंग कलर कर्सन के बिना अधूरा है। तो अभी आपको इमेज को सेव करना है, उसके बाद लाइटरूम पर इंप्रूव करना है कलर कर्सन के लिए। तो गैस यहाँ पर मैं लाइटरूम ऐप पर ओपन कर चुकी हूँ हमारे पिक, तो आपको भी यहाँ पर इंप्रूव करना है। तो गैस अभी आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको ब्राइटनेस टूल दिखा देता हूँ। ये रहा ब्राइटनेस टूल, सिंपल आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है और गैस आपको कॉन्ट्रास्ट को इस तरह से डिक्रीज करना है, डिक्रीज आपको एड इन रखना है। और गैस आपको हाईलाइट्स को रखना है, आपको हाईलाइट्स को इंक्रीज करना है, आपको 7 रखना है। और गैस आपको शैडोज़ को हल्का सा प्लस रखना है, आपको 11-12 के आसपास। और गैस आपको व्हाइट्स को रखना है, आपको प्लस ही रखना है, तो प्लस आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 5 के आसपास। और गैस आपको ब्लास्ट को छोड़ करके यहाँ पर आपको चले जाना है आपको कलर स्टूल पर। तो ये रहा कलर स्टूल, सिंपल आपको कलर स्टूल पर क्लिक करना है। और गैस आपको वाइब्रेंस को इससे प्लस करना है, तो वाइब्रेंस को कितना प्लस रखना है आपको 40 के आसपास। और गैस आपको यहाँ पर टेम्पलेचर को इस तरह से प्लस करके आपको 4 के आसपास प्लस करना है। तो गैस अभी से ही देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो अभी और भी कुछ कलर कर्सन करना है, तो अभी आपको मिक्स टूल पर क्लिक करना है। सो गैस ये रहा मिक्स टूल, सिंपल आपको मिक्स टूल पर क्लिक करके यहाँ पर वाइब्रेंस नहीं पहला कलर की सेचुरेशन को इस तरह से प्लस करना है। सेचुरेशन को आपको रखना है आपको 6 के आसपास। और गैस आपको सेकंड कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लुमिनस को इस तरह से प्लस करना है, ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सकेगा। तो ज़्यादा नहीं, आपको हल्का सा ही प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं प्लस करके ऐड रखता हूँ, आपकी जो फेस के अकॉर्डिंग आप भी प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेचुरेशन को इस तरह से माइनस कर लूँगा, सेचुरेशन को इस तरह से माइनस करके 14 के आसपास रखूँगा। और गैस यहाँ पर ग्रीन कलर पर क्लिक करके यहाँ पर हुई को इस तरह से प्लस करूँगा, यहाँ पर 44 रखूँगा। और सेचुरेशन को इस तरह से प्लस कर दूँगा, यहाँ पर 100 के आसपास प्लस कर दूँगा। और गैस यहाँ पर डन करके बैक चलना है, बैक जाने दो, क्या करना है यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं, यहाँ पर इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। और गैस आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर को आपको देना है, आपको 6 देना है। और गैस आपको क्लैरिटी को इस तरह से प्लस करके क्लैरिटी को आपको कितना रखना है 50 देना है। और गैस अभी आपको डीएच को इस तरह से प्लस करना है, डीएच को प्लस करके आपको रखना है 16 के आसपास। और गैस आपको बिगनेट को इस तरह से माइनस करना है और मिड पॉइंट को इस तरह से माइनस करना है और फेदर को इस तरह से 100 प्लस कर देना है। और ये राउंडनेस और हाईलाइट्स इसको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो यहाँ पर ग्रेन को इस तरह से प्लस कर सकते हो। तो जाना है आपको 10 के आसपास देना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटा स्टूप पर क्लियर करके यहाँ पर शार्पनेस को इस तरह से प्लस करना है, शार्पनेस आपको 55 देना है। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा V4 एंड आफ्टर बहुत ही एडिटिंग हो चुकी है। सो वैसे आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले वीडियो में।